सो जी अभी हम पहुंच चुके हैं चार मीनार। यहाँ आओ और ये चीजों पे आपका दिल ना आए बात ही नहीं है। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, आप सब खैर वाफिद से होंगे। सो आप सब जानते हैं ईद आ रही है और मैं हूँ हैदराबाद में ही, मैं घर नहीं आ रही हूँ। सेकंड ईद है मेरी मेरे घर वालों के बिना। सो मेरे घर वाले ये चाहते हैं मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, जो कुछ मैं घर पर किया करती थी वो सब करूँ। सो आज आ रही हूँ मैं शॉपिंग के लिए। अभी ये हम ये एरिया में गली में पहुँच गए हैं और पहना मैंने कुछ ऐसा है आज, पूरा वाइट, ब्लैक और वाइट। सो आज बड़े प्यारे प्यारे कपड़े लेने वाले हैं हम लोग। आज मैं जा रही हूँ ऑलमोस्ट एक महीने के बाद बाहर। मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ कॉलेज से, जैसे नफरत हो चुकी है बाहर जाने से। इस गर्मी की वजह से मेरी सारी मतलब वो घूमने की जो भी इच्छाएं होती थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो ये है जी कोमपली का ट्रेंड्स और मैं आ चुकी हूँ अभी कोमपली में ट्रेंड्स में। फ़िलहाल मुझे लगता है मैं बाहर ही वेट करूँगी अपनी फ्रेंड का, वो आएगी तो फिर अंदर चलेंगे। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं और उसको बुरा लग गया क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए आ रही है यहाँ पे। प्योर वाइट सब कुछ तो है यहाँ पे, बट रेंज जो है बहुत हाई हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम चार मीनार चलेंगे जो कि हैदराबाद का बड़ा ही फेमस है, रवली। और मैं फ़िलहाल चलते हैं कब ट्रेंड्स में। इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा ईद की वजह से इन्होंने टैक्सेस हैं वो भी ज़्यादा कर लिए हैं। जो ट्राउज़र मुझे बाहर आराम से 400 में मिल जाएगा वो यहाँ पर मुझे 1200 में मिल रहा था। इसलिए हम जा रहे हैं बाहर, हम जाएंगे चार मीनार शॉपिंग करने। चार मीनार सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन मार्केट है लेडीज़ के लिए। सो वी आर गोइंग। सो अभी हम पहुँचते हैं सिकंदराबाद बस स्टैंड और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं चार मीनार की ओर। सो अभी हम पहुँच चुके हैं जी चार मीनार। तो ये हम ले चुके हैं एक हिजाब, पहला काम हमारा हो गया। सो जी अभी हम पहुंच चुके हैं चार मीनार। कैसे है ये? 900 बड़ा जबरदस्त है। हीरा वाली यहाँ पे कुछ ड्रेसेस देख रही है। लुक चेक आउट चेक आउट। ज़्यादा वो फैंसी भी प्रेफर नहीं करती है, बट अच्छे रहना ना ज़्यादा बुढ़ियों वाले, ना बुढ़ियों वाले ना ही ज़्यादा जवानों वाले। मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। अभी रवली बैठी है यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कौन से बहुत अच्छे, कौन से विच विन दिस ब्लू कलर। दो बैंगल्स हमने ले लिए। यहाँ आओ और ये चीज़ों पे आपका दिल ना आए बात ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ से। मीनार के सामने बड़े सारे फोटोज भी हमने ले लिए हैं, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, सेम उल्फत रफीक पे। विच वन यू लाइक? ऑलवेज टेडी बियर्स और ऐसी ऐसी चीजें इसको पसंद आती हैं। और भैया की डिमांड थी इस चीज को भी बताया जाए, बैठे बैठे खेलने के लिए फोन के लिए है ये भी उससे बड़ा है।
हाँ ये भी है, बहुत ही प्यारे प्यारी चीजें सी हैं इनके पास। भैया इनकी रेंज क्या है? ये वाले पूरे की नहीं, मुझे क्या दुकान डालना है? 150 का ये वाले जो है, 250 सारे 250 के। देखें कितने प्यारे प्यारे से बैग्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अली व्हाट यू लाइक इन दिस लाइक एरिया, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? वेरी लॉन्ग, ये छोटी बिचारी, इसको सारे लॉन्ग साइज के होते हैं, कुछ भी पसंद आए तो लॉन्ग निकलता है इसके लिए। सिर्फ इस बच्ची को बच्चियों वाली चीजें पसंद आती है, कोई भी बड़ों वाली चीज पसंद नहीं आती है। पका दिया मुझे इसे, इतने प्यारे प्यारे झुमके थे वहां पे, वो इसको नहीं लेने थे, ये बच्चियों वाले लेने थे। दिखाती हूँ मैं आपको, देख क्या रही है ये। Time to eat something. ये है जी हैदराबाद की फेमस मंदी। तो अभी फिर से एक बार मैं आ चुकी हूँ अरबीना में, जो कि है पूरा ही इसके सामने, चार मीनार के सामने। यहाँ पे हमने फिर से मंदी ऑर्डर करी है, इसमें हमने मंदी राइस एक प्लेट ऑर्डर करी है, उसके साथ फिश भी है, चिकन भी है और मटन भी है, सब कुछ। मंदी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ की, मैंने पहले भी ट्राई करी है, आप लोगों को पसंद हो तो आप भी आएँ, ये सब खा के फिर से अपनी जो हमारी शॉपिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। कम्प्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच हो चुका है। इतना लेट 4 o'clock पे हमारा लंच हो गया, अभी बैक टू आवर शॉपिंग। हैदराबाद में खाने के बाद शाही दूध मलाई ना खाई तो क्या किया, सो वी आर गोइंग टू ईट शाही दूध मलाई नाउ। थैंक यू विमेन। Look at this. अभी शॉपिंग करनी है, एक हिजाब की, जो कि मैंने एक ड्रेस लिया है उसके लिए हिजाब मैंने नहीं लिया है, और उसके साथ मुझे लेना है एक ट्राउजर, और भी बड़ी सारी चीजें लेनी है। देखते हैं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए पब्लिक कितनी है, हद से ज्यादा लोग घूम रहे हैं। संडे को तो पूरा ये जो एरिया है ये भरा हुआ होता है लोगों से। तो अभी हम आ गए हैं मदीना मार्केट, जो कि सेम है, पूरा सिमिलर है सीपी, दिल्ली सीपी की तरह, सारे यहाँ से वैसे ही बना हुआ है सिस्टम और वैसे ही अंदर की तरफ। बट ये है कि सीपी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है और ये उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इधर पे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा बाहर माल लगा हुआ है। सीपी में थोड़ा डिसिप्लिन में लगा हुआ है सब कुछ, डिसिप्लिन में सारा कुछ है। जो शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राउजर भी मिल गए हैं मुझे, और हिजाब वगैरह भी जो हैं वो भी मिल गए हैं, और ईद का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस भी मिल चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखो, और ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं। सो चलते हैं हम आगे, देखते हैं और क्या कुछ खरीदेंगे। मुझमें जान की इतनी सी जरा नहीं बची है, और इस लड़की को अभी तक बैग पसंद नहीं आ रहा है। मतलब तेलुगु लोगों के साथ चलना, इनके साथ बरादरी रखना हिम्मत वाला काम है भाई। मैं मर गई। गुड, अब तो मुझे यही बोलना पड़ेगा, जिसको तू हाथ लगाएगी वो अच्छा है, बहन तू ले ले बस। फाइनली ये बैग ले लिया, कार्टून सी लड़की, कार्टून सा बैग। वैसे हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने, हमने ले ली है ये वाली डॉल, ये देखे, ये है ऐना की दुल्हन। अगर ऐना को ये पसंद आई तो पक्का इसी के साथ शादी कराई। तो ऐसे मुझे ये पसंद आई थी ऐना के लिए, कहाँ गई वो, वो कहाँ करे, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए भैया। ये देखो ये पिंक वाली भी बहुत ही प्यारी है, बट ऐसी भी मेरे ऐना को अच्छी नहीं लगेगी, आई नो। सो ऐसी ऐसी वैसे क्यूट थी लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं है, सो इसने ले लिया है।